अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस पौधे के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ग्रेविलिया रोबस्टा। इंग्लिश में इसे सिल्वर रॉक कहते हैं, जो कि इसके पत्तों के सिल्वर अपीयरेंस की वजह से कहते हैं। सिल्वर सिल्वर इसके ऊपर तो ग्रीन कलर होता है और पत्तों के नीचे जो होता है वो सिल्वरी अपीयरेंस होती है, जिसकी वजह से इसे सिल्वर रॉक कहते हैं। आज हम इस पौधे के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, मतलब डिटेल्स में आपको इसके बारे में बताऊँगा और कैसे ग्रो करता है, इसके यूजेज और साइड इफ़ेक्ट क्या है, मतलब इसके नुकसान क्या क्या हैं और इसे हम किस किस तरह ग्रो करवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसकी रूट से। इसकी रूट्स जो होती हैं वो प्रोटियोइड होती हैं, यानी कि गुच्छे नुमा शक्ल में ज़्यादा फैलती नहीं हैं, तो गुच्छों की शक्ल में ना उसी जगह पे होती हैं इसके पौधे के नीचे, ज़्यादा नीचे या साइडों पे नहीं फैलती। उसके अलावा ये सिंगल स्टेम जो है वो प्लांट है, इसकी स्टेम जो है वो सिंगल सीधी ऊपर जाती है और साइडों पर शाखें निकलती हैं, मगर ऐसा वो मोटी जैसे दूसरे पौधों में निकलती हैं दरख्तों में वैसे नहीं होती। इसके लीव की बात करें तो इसका लीव जो है वो बाइपिनेट होता है और काफ़ी हार्श होता है, इतनी जल्दी गलता सड़ता नहीं है, नीचे ज़मीन में गिरता है जब तो इतनी जल्दी गलता सड़ता नहीं है। अभी भी काफ़ी सारे पत्ते पड़े हुए हैं, देखिए वैसे के वैसे पत्ते पड़े हुए हैं, तो इतनी जल्दी गलता सड़ता नहीं, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन काज करते हैं सॉइल में, और इसी पोल्यूशन काज करने की वजह से इसे लोग अब कम कल्टिवेट करते हैं। पहले इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, कॉफ़ी और जो चाय है टी और कॉफ़ी, इन दोनों फसलों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे लोग। शेड प्रोवाइड करता है ना ये, और 5-6 साल में बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, 5-6 साल में अच्छा खासा ये दरख्त बन जाता है। अब पत्तों से आगे चलते हैं तो इसके ऊपर जो उनसे है वो फ्लावर लगते हैं ऑरेंज कलर के। खैर अभी यह पौधा छोटा है, जब काफ़ी बड़ा हो जाता है तो फिर इसके ऊपर फ्लावर लगते हैं, ऑरेंज कलर के फ्लावर लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं और गुच्छों की शक्ल में लगते हैं। तो इस अपीयरेंस को कहते हैं कंपाउंड रेसमोस इनफ्लोरेसेंस, ऐसे फ्लावरिंग पैटर्न को कंपाउंड रेसमोस इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की और इसके इफ़ेक्ट्स की, सॉरी पहले बात करते हैं कि इसको हम उगा कैसे सकते हैं। तो हम एक तो इसको सीड्स के ज़रिए उगा सकते हैं, जो इसके ऊपर फ्लावर लगते हैं हम उसको सीड्स के ज़रिए उगा सकते हैं। दूसरा हम एयर लेयरिंग प्रोपेगेशन मेथड के ज़रिए उसको उगा सकते हैं, वो अभी हम परफॉर्म करेंगे एक स्टिक के ऊपर इसके, तो तब आपको देख लेंगे, तब आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले वही एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद यूजेस और इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपने एक मुनासिब जोन सी है साइज़ की, फिंगर के साइज़ की मोटी जोन से आपने स्टिक लेनी है और उसको इस तरह कट लगा लेना, और दूसरी साइज से भी आपने इसको कट लगा लेना। कट लगाने के बाद आप पॉलीथीन शापर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कप वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या मैंने प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल करने का सोचा। अब इसको यहाँ से हम बांधेंगे, शुक्र है किसी ना किसी तरह करके हमने फर्स्ट एयर लेयरिंग जो है एक्सपीरियंस परफॉर्म किया हमने। अब महीने बाद, तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद, महीने बाद आके देखेंगे कि क्या बनता है इसका, वाकई ये उगता है या नहीं, एयर लेयरिंग प्रोपेगेशन मेथड के जरिए ये पौधा उगता है या नहीं उगता। बात करते हैं अब इसके यूजेस के और इफेक्ट के। फाइनली बात करते हैं इसके इस्तेमालात का और बाद में इसके इफ़ेक्ट का, नुकसानात का। ये पौधा ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, खूबसूरती के लिए, और यहाँ पे भी खूबसूरती के हवाले से यहाँ पे लगाया गया है यूनिवर्सिटी में। और अब सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल होता है वो एग्रो फॉरेस्ट्री में होता है। पहले एशिया और अफ्रीका में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, जहाँ पे कॉफ़ी और टी वगैरह इस्तेमाल होती ग्रो करवाई जाती है, मतलब उनकी फसलें उगाई जाती हैं।
तो अब वहाँ पे इसके अल्टरनेटिव जो प्लांट हैं वो उगाए जाते हैं, मगर इसकी जो है वो इसके लीफ जो है वो डिकम्पोज नहीं होते इतनी ईजी, इस वजह से इसको जो है कल्टिवेशन कम की गई है। मगर एग्रोफोरेस्ट्री और एनिमल फॉरेस्ट्री के हवाले से इसको बहुत ज़्यादा अब कल्टिवेट किया जाने लग गया। एग्रोफोरेस्ट्री क्या मतलब, अगर आप फसलें वगैरह लगाते हैं तो उनके बाउंड्री साइड्स पे यानी चारों तरफ में इस प्लांट की कल्टीवेशन करें तो 5-6 साल बाद ये जब ग्रो भी कर जाएगा तो इसकी आप इसको हार्वेस्ट करके काट के तो इसकी लकड़ी वगैरह बेच सकते हैं। इसकी लकड़ी जो सी है वो पेपर बनाने में और फर्नीचर वगैरह बनाने में जलाने में काम आती है। इसके लीव्स जो हैं वो मल्च के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, डिकम्पोज तो नहीं होते खैर, मगर हम इसको मसल के और इसका पाउडर बना के हम जो है वो खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो लीव्स हैं इनमें एसेंशियल केमिकल्स भी होते हैं, मगर एसेंशियल केमिकल्स के साथ साथ जो हैं इसके वो हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं जिनकी वजह से हम इसे डायरेक्ट खा नहीं सकते, ठीक है, और इसे खाना भी नहीं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो लीव है इसका, इसके अंदर काफ़ी मतलब जो केमिकल्स हैं दो एसेंशियल वो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, मगर हार्मफुल केमिकल्स होने की वजह से हम इसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसके अलावा जो इसकी सीड्स और फ्रूट है ना उनमें भी साइनाइड रिलेटेड केमिकल्स मौजूद होते हैं, तो लिहाजा हम उन्हें भी बिल्कुल भी खाने से ग्रेज़ करेंगे, मगर उनके जो एक्सट्रैक्ट है सीड्स का एक्सट्रैक्ट वो हमारे अगर जिल्द के ऊपर फंगल इन्फेक्शन आपको महसूस होता है तद्दर वगैरह जिसे कहते हैं तो आप वहाँ पे इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ये था आज का इस पौधे के बारे में, उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगेगा और आपको जो हमने इसके ऊपर एयर लर्निंग मेथड अप्लाई किया है प्रोपेगेशन का वो भी थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लांट के साथ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।